रैपली इज नाटस ऐसा माना जाता है कि इस वेबसाइट की कहानी एक बच्ची के असल घटना से जुड़ी हुई है। रैपली इज नाटस नाम की एक लड़की का जन्म 18वीं सदी में बहुत दिक्कतों से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस बच्ची को जन्म देने के लिए रैपली इज नाटस की माँ ने अपनी कई बच्चों की बलि दी थी। रैपली इज नाटस के जन्म से ही उसके चेहरे पर एक बर्थमार्क हुआ करता था जिसको लोग शैतान की निशानी मानते थे, जिस वजह से लोग उसे बुरी नज़रों से भी देखा करते थे। इस बात ने रैपली को इतना परेशान करके रख दिया कि वह खेलने के लिए दिन में कभी कभार नहीं निकल पाती थी। इस घटना के बाद उसके पिता को शक होने लगा कि इस बच्ची में शैतानी साया है। उसके बाद रैपले को उसके पिता दिन भर एक कमरे में बंद कर देते थे। रैपले को अपने ही घर में काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। एक रैपले की माँ ही उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। रैपले अपने ही घर में हो रहे टॉर्चर को ज़्यादा सहन नहीं कर पाई और उसने खुद की जान ले ली। अपनी बेटी को मरा हुआ देख रैपले की माँ ने भी आत्महत्या कर ली। इसके बाद रैपले के पिता ने रैपले और उसकी माँ को दफना दिया। जिस जगह पर रैपले और उसकी माँ दफनाया गया था उसी जगह पर एक टेलीफोन पोल था जो कि बिजली कड़कने से गिर गया था, और उसी वक्त इंटरनेट पर रैपले इज नाटस वेबसाइट का जन्म हुआ। ये रहस्यमय वेबसाइट का केवल आधी रात को ही एक्सेस कर सकते हैं। बाकी टाइम अगर आप इस पर एक्सेस करेंगे तो आपके सामने एक कॉलम आएगा जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, और इसके बाद आपको एक ऑडियो मेल आएगा जिसमें रैपली इज नाटस बच्ची की आवाज़ होगी जो आपको आधी रात में खेलने के लिए बुलाएगी। और आप इस वेबसाइट पर खेलने के लिए आधी रात को जाएंगे तो रैपली इज नाटस की कुछ डरावनी इमेजेस आपको देखने को मिलेगी और खेलने के लिए कई सारे गेम्स भी। रहस्यमय बात तो ये है कि इस वेबसाइट में एक बॉक्स है जिसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिससे आपको बदला लेना होगा, जिसके बाद रैपले की आत्मा खुद उस व्यक्ति से आपके लिए बदला लेगी। लेकिन इसके बाद रिप्लाई की आत्मा आपको ज़िंदगी भर डराएगी। अगर आप रिप्लाई इज नाटस के नाम को उल्टा पढ़ेंगे तो बनेगा सेटेंस हेल्पर जो कि डरावना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाइएगा ज़रूर।